तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वेस्टर्न ड्रैगन किंग था, उसका जो प्रॉब्लम यहां पे था पॉइजन वाला हट जाता, खत्म हो जाता हाथ काट के। तो ये भी खुश के सच्ची में भाई हाथ काटने के बाद मेरा प्रॉब्लम यहां पे गायब। अरे बल्ले बल्ले मजा आ गया। फिर सामने से जो था ना अभी औजार, उसको यहां पे देखता कि भाई औजार कितने कमाल के। फिर नियम दाई की ओर देखता भाई ये दोनों महारथी लोग भाई इन्होंने मुझे यहां पे बचा दिया, ये दोनों कितने कमाल के। मगर कैसे 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 इन्होंने यहां पे कर लिया, पूरा सा टेंशन में बैठे कि भाई कौन है और कैसे कर लिया। दूसरी साइड में अपने प्रिंसेस का जो बाप यहाँ पे था वो तो पूरा खुश यहाँ पर है भाई, सामने से थैंक यू कहते कि भाई थैंक यू सामने से। नियांग फेंग भी कहता यार नो प्रॉब्लम, फिर वो इनवाइट यहाँ पे कहता है कि आइए बैठिए और हमारे साथ यहाँ पे खाना खाइए। नियांग फेंग को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में जो कीड़ा वीड़ा गया था ना ये खाने के चक्कर में हुआ है, अगर मैंने खा लिया ना तो भाई सेम मेरी भी हालत होगी। इसलिए कहता है कि ना भाई आज मेरा पेट यहाँ पे भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। धीरे 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 अपने आप ना दरवाजे के पास जाता है तो छोटकी प्रिंसेस और दाई भी यानी आने को तैयार हो जाती है नियांग फेंग के साथ। नियांग फेंग गुड बाय भी नहीं बोलता, सीधे दम 240 की स्पीड यहां पर लेता है और भाग जाता है कि यहां पर रह के मुझे भी बीमारी नहीं चाहिए। तो दाई और छोटी प्रिंसेस निकल जाती है, अपना जो बाप था ना प्रिंसेस का बहुत खुश यहां पे था, बहुत खुश, जिंदगी में इतनी खुशी आज इसको पहली बार यहां पर हुई है कि भाई मिस्टर नियांग फेंग जैसे इतने कमाल के बंदे आज खुद मेरे घर मतलब मेरे गरीब घर पर यहां पर आए, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है भाई। इनके तो पूजा करूंगा भाई, मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा का पूरा क्लैन है ना, इनको अपने दिल जिसमें प्यार सब कुछ यहां पर देने को तैयार है। दूसरी ओर से वेस्टर्न ड्रैगन किंग चिल्लाता कि भाई ये था क्या यार, ये आदमी थे कौन। उसके बाद यहाँ पे सेंस होता अपने सातों प्रिंसेस पे जो कि हवेली पैलेस यहाँ पे था ना, हवेली पैलेस के एरिया में आ चुकी थी और देखते कि जब लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी ना उस समय बर्फ यहाँ पे था, टूटा फूटा था सब कुछ, बंजर यहाँ पे हो गया था, लेकिन एक ही दिन के अंदर घास फूस हरियाली सब यहाँ पर आ गई है। जो बुढ़ा इसके साथ रहता था ना वो बुढ़ा भी अभी भी इसके साथ ही था, वो सामने से था फोर्स, क्योंकि मिस्टर नियांग फेंग ने हमारा जो हवेली पैलेस है ना उसको वापस से भाई पहले जैसा चंगा कर दिया, इसलिए सब कुछ पहले जैसा चंगा हो गया, पहले जैसे घास फूस यहाँ पे आना चालू हो गया। जो सुनते सातवें प्रिंसेस के यस उन्होंने सब कुछ वापस लेकर आ गए। दोनों जो बॉडी गार्ड यहाँ पे दोनों डेंजरस थे, जिस चक्कर में हम लोग ने अंदर एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन पक्का बॉडी गार्ड की भी मौत हो चुकी रहेगी तो मुझे जाके एक्सप्लोर यहाँ पे करना है, इसलिए निकल जाती है। पीछे से बूढ़ा कहता है नहीं प्रिंसेस रुको या रुको 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 या गलती से कहीं जान आपकी ना निकल जाए, लेकिन वो रुकती नहीं है और निकल जाती है। बूढ़ा भी सोचता आई हो भगवान से दुआ कर दूँ कि उनको कुछ भी यहाँ पे ना हो। ये पैलेस के बाहर यहाँ पे आती है और एंट्री मारने को तैयारी हो, एंट्री यहाँ पे मार लेती है। तो पैलेस महल तो यहाँ पे ठीक थी, लेकिन पैलेस में पेविलोन जिस पेविलोन से ये बिलोंग करती थी, अगर आपको याद नहीं है फिर से याद दिला दूं, एक पेविलोन यहां पे था जिसमें टोटल सात लड़कियां थी, ये उनमें से सात भी आती थी जिसलिए इसको सातवीं प्रिंसेस कहते, एक तीसरी प्रिंसेस और तीसरी आती थी। तो बाकी जो भी है ना उस वाले पेविलोन में ये जाने को तैयार थी, मनी मन सोचती कि मेरी जो बाकी दोस्त यहां पे थी वो बाकी दोस्त अंदर मिलेगी। तो जैसे खोलती है ना हां तो बाकी पांच अंदर यहां पे थी, तो जिसको देख के ये खुश हो जाती कि वो यार पहली वाली दूसरी वाली चौथी वाली पांचवी वाली छठी वाली, लेकिन जैसे एहसास होता ना तो भाई कोई भी पे नहीं था बल्कि उनकी मूर्तियां थी। हाँ उनकी मूर्तियां यहां पे थी, जिसको देख के इसको एहसास हुआ था कि वो सब यहीं पर है, लेकिन जैसे ध्यान से ऑब्जर्व करती है ना उनकी मूर्तियां नहीं बल्कि वो खुद यहां पे थी जो कि मूर्ति में बदल चुकी थी। खाली वो नहीं बल्कि जो भी लोग यहां पे रहते थे ना वो सब के सब इन लोग मूर्ति में यानी मिट्टी के मूर्ति में कन्वर्ट हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है इमोटा दुनिया में, ये जो ब्लैक हाउस का था ना भी मालिक जो कि सामान वामन यहाँ पे बेचता है, बेसिकली गद्दारी वद्दारी यहाँ पे करता है, उसी के ऊपर जो कि बैठा हुआ कह रही यार हमारी जो दुकान है ना यार उसका बिजनेस अभी यहाँ पे चलता ही नहीं है यार, आई डोंट नो किसकी नज़र यहाँ पे लग गई है, लास्ट टाइम हमने दो आइटम यहाँ पे दे दिए थे बदले में, भाई हमारा काम था कि हम लोग बंदे को बेच के ना उनको मरवा के उनका सामान वापस से चोरी कर लेते थे, जिससे भाई उनका सामान भी मिल जाता था, हमने जो सामान यहाँ पे दिया वो सामान भी हम वापस छीन लेते थे मार के, लेकिन दो बार नहीं हो पाया यार। हाँ हमारे बंदे भी मारे गए, बड़ा नुकसान हो गया। उतने में एक नौकर आता है, वो आता कहता सुनिए ना कोई कस्टमर आया है। जो सुंदर आदमी कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में कैसा कस्टमर है। हाँ तो नौकर कहता है कि भाई कमजोर सा कस्टमर यहाँ पर है जो कि ऑफकोर्स हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, हम लोग उसका सामान भी ले लेंगे एंड में उसको मार के ना अपना सामान भी वापस ले सकते हैं। तो और कोई नहीं आया था बल्कि अपनी जो दाई की छोटी बहन थी ना भाई, हाँ छुटकी बहन यहाँ पर आई थी, वो डर रही थी, बहन ने मना किया था कि ज्यादा ऐसा वैसा मत करना, जैसा मैंने बोला वैसा करना, तो ऐसा तो मैं कर ही रही हूं बस दिक्कत ना जाए। वो दुकानदार सामने आता है कहता है ओह नाइन टेल फॉक्स यहां पर आई हो, बोलो भाई सामने से किस लिए आई हो, सामान एक्सचेंज यहां पे करना है क्या। वो सामान निकाल के देती है जो कि दूध था और साथ
प्रजाति में ग्रास यहाँ पे था जो कि हमारी निंग फेंग के घर से लाई है। तो सामने से ये देखता भी हुआ यार, ये जो ग्रास है ना अब तक सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल ग्रास है जो कि अपनी तक मैंने देखा है। और रही बात दूध का, जो पांच कलर वाले काऊ होते हैं ना उनका दूध बहुत ही रेयर होता है, ये तो वही दूध है। यानी सच्ची बड़ी कमाल की चीज लेकर आ गई वो छुड़की यार, हमको लगा नहीं था कि तुमको इतने कमाल कमाल की चीजें मिल जाएंगी। बोलो बदले में तुमको क्या चाहिए? तो उंगली से ना इशारा करती है एक सामान की ओर जो सामान दिखने में ऐसा है जिसको ये लोग एंशियंट टेजर कहते हैं, लेकिन रियलिटी में एक छोटा सा डिवाइस था। वो डिवाइस यहाँ पे क्या है अगले एपिसोड में मालूम चलेगा, जो लेके जैसे नियांग फेंग के पास जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।